हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल एंट्रेंस एग्जाम गाइड। सो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं DU LLB 2021 के बारे में। आज हम इस वीडियो में DU LLB 2021 के बारे में हर एक इंफॉर्मेशन डिस्कस करेंगे, लाइक उसका एप्लीकेशन फॉर्म किस तरह से भर सकते हैं, उसका एडमिट कार्ड किस तरह से डाउनलोड किया जा सकता है, साथ ही साथ DU LLB 2021 का सिलेबस क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, हर एक इंफॉर्मेशन फुल डिटेल में डिस्कस करेंगे आज हम इस वीडियो में। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वहाँ पे आपको DU LLB के रिलेटेड हर एक इंफॉर्मेशन वीडियो के माध्यम से मिल जाएगी। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक बेल आइकन बटन भी नहीं दबाया तो उसे भी दबा दीजिए, ताकि अगर DU LLB 2021 का कोई भी नया इवेंट, कोई भी नोटिफिकेशन रिलीज होता है, कोई भी न्यूज़ आती है, तो हम वीडियो के माध्यम से आपको अपडेट कर पाएंगे, आपको नोटिफाई कर पाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम शुरू करते हैं DU LLB 2021 के बारे में डिटेल में जानना। तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपको अपने किसी भी ब्राउजर पे जो है google.com ओपन कर देना है, और google.com ओपन करते ही आपको वहाँ पे जो है सर्च करना है cteet.co.in। जैसे ही आप वहाँ पे गूगल में cteet.co.in सर्च करेंगे तो जो सबसे पहला रिजल्ट आपके सामने जो आएगा, आपको सिंपली उस पर क्लिक कर देना है, और उस पर क्लिक करते ही आपके सामने जो है एक नई वेबसाइट ओपन हो जाएगी। तो आपके सामने जो वेबसाइट ओपन हो चुकी है, तो ये cteet.co.in एक ऐसी एक्सक्लूसिव वेबसाइट है जहाँ पे आपको DU LLB के रिलेटेड हर एक इंफॉर्मेशन फुल डिटेल में जानने को मिल जाएगी। और उसी के साथ साथ ये वेबसाइट जो DU LLB की ऑफिशियल वेबसाइट है, उसके साथ भी डेली बेसिस पे अपडेट होती रहती है, तो यहाँ पर आपको फुल ओरिजिनल और अपडेटेड इन्फॉर्मेशन जानने को मिलेगी। आइए अब मैं बताता हूँ तो आप किस तरह से DU LLB के रिलेटेड सर्च कर सकते हैं। आपको साइड में जो सर्च बार दिखाई दे रहा है, वहाँ पे आपको सिंपली आपको वहाँ पे आके DU LLB सर्च करना है, और अगर आप उसके एडमिट कार्ड या एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में सर्च करना चाहते हो तो आप उसके आगे एप्लीकेशन फॉर्म लिख दीजिए, एडमिट कार्ड के बारे में सर्च करना चाहते हो तो उसके आगे एडमिट कार्ड लिख दीजिए, जिस भी चीज़ के बारे में आप सर्च करना चाहते हैं आप उसके आगे वो लिख दीजिए, तो वो इवेंट की भी इन्फॉर्मेशन आपके सामने आ जाएगी। अब हमने सिर्फ DU LLB लिख के सर्च कर दिया है, तो DU LLB के रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन इस वेबसाइट पे है वो सारी के सारी आपके सामने आ जाएगी, वहाँ से जो है अपने को आपको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वहाँ से डायरेक्टली चेकआउट कर सकते हैं। लाइक अब मैं आपको DU LLB के थोड़ा ओवरव्यूज दे दूँ, जैसे कि DU LLB उसका फुल फॉर्म है दिल्ली यूनिवर्सिटी लॉ एग्जामिनेशन, उसे शॉर्ट फॉर्म में हम दिल्ली DU LLB बुलाते हैं। अब DU LLB के हाईलाइट्स आपको बताते हैं, जैसे कि सबसे पहले उसका हमने फुल फॉर्म ऑलरेडी ऊपर देख चुके हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी लॉ एंट्रेंस एग्जाम। टाइप ऑफ एग्जाम जो है UG लेवल का एग्जाम है, लेवल ऑफ एग्जाम जो है नेशनल लेवल का एग्जाम है, नेशनल लेवल पे एग्जाम कंडक्ट किया जाता है। जो कोर्सेज यहाँ पे ऑफर किए जाते हैं वो लॉ के कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं। इसके जो ऑर्गेनाइजिंग बॉडी है, जो ऑफिशियल अथॉरिटी जिसके द्वारा ये एग्जाम कंडक्ट किया जाता है, वो NTA यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। अब एप्लीकेशन मोड की बात करें तो इसका एप्लीकेशन मोड ऑनलाइन मोड में रिलीज होता है, आपको इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर एप्लीकेशन भर के सबमिट करना होगा। साथ ही साथ जो इसका एग्जाम भी होने वाला है वो भी ऑनलाइन मोड में ही होगा, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड जो है इसका टेस्ट लिया जाएगा। टोटल 2 घंटे दिया जाएगा आपको, 2 घंटे में आपको इसका पूरा एग्जाम जो है कंप्लीट करना होगा। और लास्टली आपको यहाँ पे उसकी ऑफिशियल वेबसाइट दे दी गई है DU.ac.in। अब नेक्स्ट बात करें क्विकली इसके, सो गाइस ये जो सेक्शन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है आप लोगों के लिए, इसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, आप डायरेक्टली वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हैं। अब ये है क्या, सो गाइस जिसे मैं आपको बता दूँ, अगर किसी एक पर्टिकुलर स्टूडेंट को सिर्फ एक एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में डिटेल में जानना है या सिर्फ एडमिट कार्ड के बारे में डिटेल में जानना है, तो उसे सिंपली क्या करना है, उसके सामने जो क्लिक लिखा है उस पर क्लिक कर देगा, तो क्लिक करते हुए एक न्यू पेज पे चले जाएगा, यहाँ पे उसे DU LLB के एडमिट कार्ड के रिलेटेड या एप्लीकेशन फॉर्म के रिलेटेड फुल डिटेल इन्फॉर्मेशन वहाँ पे मिल जाएगी। तो इन सब की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप डायरेक्टली वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट अब एग्जाम डेट की बात करें तो इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है अप्रैल में स्टार्ट हो जाता है, एडमिट कार्ड भी मई के स्टार्टिंग में आपको डाउनलोडिंग के लिए मिल जाएगा, और जो इसका एग्जाम है वो जून के स्टार्टिंग में कंडक्ट होता है, ऑलमोस्ट मोस्ट प्रोबेबली यही जो एग्जाम है DU LLB का वो इसी मंथ यानी कि जून के मंथ में ही कंडक्ट किया जाता है। अब बात करें एप्लीकेशन फॉर्म और एप्लीकेशन फी की, सो गाइस एप्लीकेशन फॉर्म जो है DU LLB का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, साथ ही साथ आपको उस प्रोसेस में बहुत ही सावधानी बरतने की भी ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप DU LLB का एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं कोई भी गलत डिटेल्स जाते हैं, कोई भी फेक डिटेल्स जाते हैं, तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है डायरेक्टली रिजेक्ट हो जाएगा, आपका एप्लीकेशन फॉर्म एक्सेप्ट नहीं होगा। उसी के साथ साथ एप्लीकेशन फॉर्म में एक और प्रॉब्लम जो है स्टूडेंट को फेस करने पड़ती है, लाइक लास्ट में आपको कहा जाता है कि डॉक्यूमेंट फोटोग्राफ और सिग्नेचर को स्कैन करके अपलोड करना रहता है, पर आपको जो साइज़ कही जाती है उसी साइज़ उसी फॉर्मेट में स्कैन करना रहता है जो आपको अथॉरिटी कहती है, ना आपका जो एप्लीकेशन है वो एक्सेप्ट नहीं होता है। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता कि कौन से साइज़ में और कौन से फॉर्मेट में जो स्कैन करके अपलोड करना, इस वजह से उनका एप्लीकेशन जो है वो एक्सेप्ट नहीं हो पाता है। तो गाइस आप लोगों के साथ भी आसान हो, इसलिए आपको सिंपली क्या करना होगा, आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना है, साथ ही साथ जो है बेल आइकन बटन को भी दबा कर रखना है, क्योंकि हम DU LLB के ऊपर एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाने वाले हैं, उसमें हम आपको लाइव एप्लीकेशन फॉर्म भर के बताएंगे, साथ ही साथ आप किस तरह से डॉक्यूमेंट फोटोग्राफ सिग्नेचर स्कैन कर सकते हैं, कितनी KB में फाइल सेव करना है, कौन से फॉर्मेट में, हर एक चीज़ फुल डिटेल में आपको उस वीडियो में देखने को मिल जाएगी। तो मेक श्योर कीजिएगा आपने जो हमारा चैनल सब्सक्राइब करके रखा हो,
साथ ही साथ जो है बेल आइकन बटन भी दबा के रखो ताकि आपको एप्लीकेशन फॉर्म के रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो गाइस अब हम आगे बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ीस की। तो अगर आप जनरल कास्ट से बिलोंग करते हैं तो आपकी जो फ़ी रहेगी वो 500 रुपीज़ है, और अगर आप रिजर्व क्लास से बिलोंग करते हैं यानी कि SC ST या PWD और जितने भी रिजर्व कास्ट हैं उनसे बिलोंग करते हैं तो आपकी जो फ़ी रहेगी वो 250 रहेगी। आप एप्लीकेशन फ़ी दोनों मोड में भर सकते हैं, ऑनलाइन मोड में भी भर सकते हैं, ऑफलाइन मोड में भी भर सकते हैं। ऑनलाइन मोड में जा रही डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग के थ्रू भर सकते हैं, ऑफलाइन में जा रही NEFT या फिर आप डिमांड ड्राफ्ट से भर सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। सो गाइस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है DU LLB में, क्योंकि अगर आप DU LLB का एग्जाम देना चाहते हैं तो उसके लिए आपको जो है उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करना जरूरी है, वरना आप उसके बिना अगर आप इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को सेटिस्फाई नहीं करते तो आप DU LLB का एग्जाम नहीं दे पाते। तो इसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप फुल डिटेल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अपने हिसाब से चेक कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता भी देता हूँ। लाइक आपके पास जो है आप जो है ग्रेजुएशन कंप्लीट रहना चाहिए आपका किसी भी फेमस यूनिवर्सिटी से, दिल्ली यूनिवर्सिटी से, कोई और फेमस यूनिवर्सिटी से, तो ही आप DU LLB के लिए जो है अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे क्वालिफिकेशन मार्क्स बता दिया गया, यहाँ पे रिलैक्सेशन का बता दिया गया, एज लिमिट यहाँ पे कुछ भी नहीं, मिस कोई भी एज का आप रहे आपको कोई पर्टिकुलर एज लिमिट के बारे में टेंशन लेने की जरूरत नहीं, यहाँ पे कोई भी एज लिमिट सेट नहीं की गई है। तो इसी तरह से और भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में आकर डायरेक्टली चेकआउट कर सकते हैं लिंक के थ्रू। अब नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे एग्जाम पैटर्न की। और तो गाइस एग्जाम पैटर्न यहाँ पे देखिए आपको दे दिया गया कि जो पेपर होगा वो ऑफलाइन मोड में होगा, पेन पेपर बेस्ड होगा। जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो मल्टीपल सिलेक्शन क्वेश्चन रहेंगे, यानी कि एक क्वेश्चन के आपको टोटल 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे। 4 ऑप्शन में से जो भी ऑप्शन आपको सही लगेगा आपको सिंपली उस पर टिक करना होगा। आपको 2 घंटे में पूरा पेपर कंप्लीट करना होगा, और टोटल जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो 175 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, आपको पूरे के पूरे क्वेश्चन सॉल्व करने रहेंगे। नेक्स्ट जो पेपर पूछा जाएगा वो पेपर इंग्लिश लैंग्वेज में होगा, और कोई भी लैंग्वेज आपको नहीं दिया जाएगा। साथ ही साथ जो मार्किंग स्कीम की अगर बात करें तो आपको अगर एक क्वेश्चन का अगर आपने सही आंसर दिया तो आपको 4 मार्क्स मिलेंगे, और वही अगर आपने किसी क्वेश्चन का रॉन्ग आंसर दिया तो आपको जो है 1 ही मार्क्स मिलेगा सिर्फ। सिलेबस की बात करें अभी तो गाइस यहाँ पे DU LLB का सिलेबस दे दिया गया है, लेकिन अगर आपको और डिटेल फुल डीप सिलेबस चाहिए एक पर्टिकुलर टॉपिक के साथ, इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, तो मैं इसके लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, वहाँ से जो है फुल डिटेल सिलेबस आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट अभी हम एडमिट कार्ड की बात करें, सो गाइस एडमिट कार्ड जो है DU LLB का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, क्योंकि विदाउट एडमिट कार्ड आपको जो है DU LLB का एग्जाम नहीं देने दिया। उसी के साथ साथ एक और जो प्रॉब्लम फेस होती है कैंडिडेट्स को एडमिट कार्ड के रिलेटेड, वो ये कि उन्हें पता ही नहीं होता कि कब जो है DU LLB का एडमिट कार्ड रिलीज हुआ, कब उसका डाउनलोडिंग डेट जो है वो खत्म हो चुका है, और इस वजह से वो जो एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं कर पाते और साथ ही साथ उसकी वजह से एग्जाम भी नहीं दे पाते। सो गाइस आपके साथ भी ऐसा होना, इसलिए आपको सिंपली क्या करना है, आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना है, उसी के साथ साथ जो है बेल आइकन बटन भी दबा के रखना है, ताकि जैसे ही DU LLB का एडमिट कार्ड रिलीज हो उसके अगले ही पल आपको वीडियो के माध्यम से नोटिफाई कर देंगे, और तुरंत आपको जो है वीडियो में ये भी बता देंगे किस तरह से आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, और आपको जो है तुरंत नोटिफाई भी कर देंगे। और रिजल्ट की बात करें तो रिजल्ट के लिए भी सेम चीज़ फॉलो होती है, अगर आपने जो है सब्सक्राइब करके रखा होगा हमारे चैनल, नोटिफिकेशन ऑन किया होगा तो आपको जो है तुरंत ही रिजल्ट निकलते, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे देंगे और वीडियो के माध्यम से आपको बता देंगे आप किस तरह से रिजल्ट चेक कर सकते हो, और साथ ही साथ ये भी बता देंगे कि आप जो है रिजल्ट को जो डिक्लेयर हो चुका उसकी नोटिफिकेशन भी हम आपको भेज देंगे। तो इसलिए मेक श्योर कीजिए कि आपने जो है चैनल सब्सक्राइब किया और साथ ही साथ जो है बेल आइकन बटन भी दबा के रखा हो। अब फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल रहा, अगर आपसे इसको इन्फॉर्मेशन मिली, आपको इस वीडियो से कोई भी हेल्प हुई हो, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलिए। थैंक यू।